तो जब मैं सोच रहा था इस पे यहाँ पे सिस्टम लगाने के लिए, तो तब तो काफी मजा आना था। बट ये है कि वो ना सिस्टम ही चोरी हो जाएगा इससे। हाय हाय हाय, रिलैक्स है, इसका छोटा सा हैंडल है। ड्राइव करती है ना, आप ड्राइव करते हो, आप चलाते हो। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? तो आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम मेरा न्यू वीडियो पे आप सबका। सो इधर देख रहे हो, जब मॉर्निंग में जिम आए थे ना, सो वेदर कुछ और हिसाब का था, बट अभी देख रहे हो वेदर तो यार टोटली ही डिफरेंट हो चुका है। वाओ, बाहर का देखो भाई। तो आज लग रहा है कि बारिश होगी, तूफान वाली बारिश होती है ना, स्वेटिंग काफी ज्यादा हो चुकी है। सो आज हमने डिसाइड किया था, सुबह से हम सोच रहे थे अगर वेदर अच्छा हो ना तो आज जाएंगे पनीर के पकोड़े खाने। कहाँ पे पता है, रोड प्लस से आगे नंदनी वाली साइड में पनीर के पकोड़े मिलते हैं मस्त वाले। जब मैं सुबह आ रहा था, मैं सोच रहा था अगर मौसम अच्छा हुआ तो हम पनीर के पकोड़े खाने जाएंगे। कहाँ सोच चुका है ना, सो आ चुकी है कॉल, सो कॉल पिक करते हैं फिर आपसे बात करते हैं। तो अभी फायर आने लेगा, टाइम हो चुका है 4:35। सो अपनी गाड़ी की एवरेज है 8.5। सो निकलेंगे भाई अभी सीधा अपने। एक क्वेश्चन पुट होता है कि मैं जा किधर रहा हूँ अभी, क्योंकि मुझे घर पे थोड़ा सा व्लॉग बनाना था, बट मैंने सोचा कि यार पहले लौंडे आए हुए अपने कल ले लद्दाख से वापस, सो उनकी थोड़ी खबर शबर ले लेते हैं, जाके पूछते हैं भाई कैसा रहा ट्रिप, ट्रिप के बाद क्या प्लान है। सो जाके बातचीत करते हैं उनके साथ। लोग निकल रहे हैं सिद्रा के लिए अपने ले लद्दाख वाले लौंडे। सो आ चुके हैं भाई, आने तो देख रहे हो किस कैसे आ रहे हैं, देखिए वाह जैसे पता नहीं कौन सी फतेह करके आए हैं। देख दरवाजा नहीं खोलूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर कैसे? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है तुम सब का? आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से घर पे? अस्सलाम वालेकुम, ले लद्दाख वाले बंदे आ गए भाई। गाइस बड़ी गर्मी, पता है जब बंदा बाहर से आता ना तो महसूस होती है गर्मी, पता है भाई साहब। जिस चीज का वेट था ना, आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि आज हम क्या करने लगे हैं। सो आज हम बनाने लगे हैं कलेक्शन वीडियो। जितनी सारी मेरे पास गाड़ियां हैं ना, तो जितनी बाइक्स गाड़ी हैं ऑलरेडी, जितने काम की गाड़ी हैं वो भी आज कलेक्शन के अंदर आएंगी, कि क्या क्या आता है। फिलहाल मुझे दीदी को लेके, मम्मा को लेके थोड़ा सा आगे जाना है, तो सुबह से ऑलरेडी बिजी था काफी ज्यादा। साथ में थे, मैंने बताया कि पापा जब साथ में होते हैं सो मैं व्लॉगिंग को टच भी नहीं करता हूँ, कि पापा नाराज होते हैं कि भाई तू कौन से काम कर रहा है। सो सब चीजों में मॉडल बताऊंगा कि कौन सा मॉडल कौन सा वाला है। सो कैमरा देख रहे हो अपना, एक ऑटो कैमरे में दिख रहा होगा। सो थोड़ी देर में पहले मैं दीदी को लेके जाता हूँ, उसके मम्मा को लेके जाता हूँ, तो उसके बाद फिर कलेक्शन वीडियो बनाऊंगा। और दिन को नहीं बना सकता हूँ, वीडियो बनती शाम को है, क्योंकि आजकल गर्मी काफी ज्यादा होती है भाई। सो अभी चलते हैं भाई, तो जाते हैं थोड़ा सा काम खत्म करते हैं, उसके बाद फिर आपको कलेक्शन वीडियो दिखाते हैं। हम लोग आ चुके हैं घर पे भाई, अभी चलते हैं अपनी कलेक्शन वीडियो बनाने के लिए। तो काफी ज्यादा लेट हो गया, अभी थोड़ी देर के बाद ना लाइट पूरी डिम हो जाएगी, तो चलते हैं भाई स्टार्ट करते हैं अपनी कलेक्शन वीडियो आज की। तो ये देख रहे हो अपना ट्रैक्टर महिंद्रा 575D1। अब वो नहीं पता कि D1 क्या होता है, कुछ बॉम्बी पुत्रा कुछ देर लिखा हुआ है। तो इसकी हालत कुछ इस तरह की है भाई, का नंबर जो है ना वो है JK216786। सो इसके टायर भी अब थोड़े बहुत खत्म हो गए भाई। तो एक ट्रैक्टर हमारे पास जो कि ना काम काज रखा, जब ये मैंने लाया था ना तो तब ये नहीं था, इसके ऊपर दूसरा वाला शर्ट था। सो मैंने पंजाब से स्पेशल, मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको बोला था कि यार मुझे ये वाला शर्ट चाहिए, क्योंकि जो मेरा सिस्टम था ना, मैंने जो सोचा था कि इसको यहाँ पे ना एक सिस्टम जैसे लगता है पंजाब में चलता है वो लगवाऊंगा, फिर मैंने सोचा कि यार ये बाहर रहता ये ना सिस्टम उतार के कोई ले जाए, लगवाया नहीं। फिलहाल फिर सोचा है कि नहीं यार कोई ले जाएगा, तो फिलहाल ये गाड़ी है। सो इसकी ट्रॉली वो खड़ी है सामने, पर अगर कभी लेनी होती ना उसके लिए लाया था, मिक्सर मशीन वगैरह वो जो चीज़ें लेनी पड़ती हैं उसी के लिए चीज़ लाई थी। तो बाकी अपनी शटरिंग शूटिंग के काम आते ये चीज़ बताता हूँ कि ट्रैक्टर को बैठ के ना फीलिंग किस हिसाब से आती है। मैंने काफ़ी बार ड्राइव किया हुआ ट्रैक्टर, स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि यह कितना मस्त चल रहा है। वो ये नॉर्मल जल्दी स्टार्ट हो जाता है, और सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या दिक्कत है, जब इसको आप बैक करोगे ना वो भी ट्रॉली के साथ, तो तब बहुत ज़्यादा दिक्कत बनती है भाई। तो अभी ट्रॉली कुछ नहीं है, इस पे बैठ गया ना कुछ इस तरह का फील आता है, ये चलाने में काफ़ी मस्त होता है। बट चलाता हूँ मैं कभी कभार, जब भी कहीं मौका मिले या जब कोई लड़का नहीं आया हो तो सोचा खुद ही चलाना पड़ता है। जब मैं सोचा था इस पे यहाँ पे सिस्टम लगाने के लिए, सो तब तो काफ़ी मज़ा आना था, बट ये है कि वो ना सिस्टम ही चोरी हो जाएगा, इसलिए लगवाया नहीं था। तो ये इसकी ट्रॉली खड़ी हुई है, पीछे दो मशीनें खड़ी हुई हैं अपनी शटरिंग का सामान, वो छत में पड़ा होता है पीछे लास्ट में। सो ये वाला ऑटो देख रहे हो, एक ऑटो ये पड़ा हुआ अपना, तो इसको चलाते बहुत ज़्यादा कम है, क्योंकि कभी कभार इसमें थोड़ा बहुत काम करवाने वाला होता, फिर उसके बाद ठीक ही नहीं करवाया, क्योंकि हमें नीड ही नहीं पड़ी। वो शर्ट पीछे यहाँ पे शटरिंग वाला सामान पड़ा हुआ है। सो ये वाली मशीन है भाई जो कि घर बनाने के काम में आती है। सो मैंने बताया था कि यार हमारा कंस्ट्रक्शन काम है, एक शर्ट बनाया हुआ हमने इसके लिए, जहाँ पे ना ये सारी शर्ट वगैरह पड़ी होती है। ये देख रहे हो अपनी टाटा मोबाइल, और अपने लौंडे पीछे, वाओ ये अपनी
टाटा मोबाइल। सो देख रहे पीछे से पूरी ये प्लेन हो चुकी है। अब इसका मॉडल मुझे पता नहीं कि इसका प्रॉपर मॉडल कौन सा वाला है। ये अपनी टाटा मोबाइल। सो ये भी मैंने आपको फर्स्ट टाइम दिखाई होगी, इससे पहले मैंने दिखाई नहीं होगी भाई। सो ये भी इसकी हालत थोड़ी खराब है क्योंकि शर्टिंग वाला काम है, तो शर्टिंग वाले काम में ऐसी हालत खराब होती है। ऑटो जो खड़ा है ना, सो इसको चलाओ, इसको बहुत कम चलाते हैं, तो ये देख रहे हो नहीं चलाते। इसका मीन्स ये है कि देख रहे बच्चे यहाँ पे जो रहते हैं ना, वो पत्थर मार मार के ना पूरा अंदर पीछे भर दिया है। चीज दिखाना भूल ही गया मैं आपको कि ये वाला ऑटो, सो ये वाला ऑटो देख रहे हो, ये आजकल यूज में ये चल रहा है क्योंकि उसका थोड़ा सा काम करवाने वाला होगा तो उसके परवाया नहीं, क्योंकि ये ऑटो ठीक था और न्यू था। सो ये है 21 मॉडल, ठीक चला रहे अभी, तो ये चलता है। ये था अपने बजाज का, बजाज कंपनी देख रहे हो, पीछे एक शीट डाली है मस्त वाली, क्योंकि सीमेंट चलता है, सीमेंट चलने बजाज ऑटो थोड़ा खराब हो जाएगा। ये हो चुकी है अपनी एक ऑटो, सो एक टाटा मोबाइल, सो एक ट्रैक्टर, सो दूसरा ऑटो वाला। अब फिर आप मैं दिखाता हूँ कि भाई जो डेली यूजिंग के लिए आती है ना, तो वो दिखाता हूँ। ये रहा अपना बुलेट राजा 5531, अपनी सारी गाड़ी 5531 है भाई, 5531। ये तो आप जानते हो बुलेट राजा को भाई। सो ये दिखाने बोल गया, ये शॉप पे खड़ा था, इसके पास सीमेंट भरा हुआ था तो मैंने दिखाया नहीं, तो अभी ये दिखा देता हूँ भाई। ये वाला ऑटो भी है, ये अपनी शॉप है सीमेंट की, यहाँ से हम डिलीवरी करते हैं सीमेंट की, तो कंस्ट्रक्शन के लिए, तो और भी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। प्रमोशन कर लेते हैं साथ में, देख रहे हो भाई, रेत बजरी ईंट पत्थर सतर सरिया सरिया सब कुछ भाई, नियर BDP ऑफिस सुजमा रोड जम्मू। सो इसको बोलते हैं हाथी, इसका नंबर है JK02AX4986। सो टाइम हो चुका है इसको अंदर लगाने का, सो फिलहाल हम अंदर लगाते हैं इसको। हाय हाय हाय, देख रहे हो कितना रिलैक्स है, इसका छोटा सा हैंडल है, सो भाई चलाने में काफ़ी मस्त मज़ा आता है। पार्क करते हैं अपने प्लॉट के अंदर। वाओ, ये पार्क हो चुकी है गाड़ियाँ सारी। ये गाड़ी है JK02AX7173। सो इससे पहले आपने इस गाड़ी पे कोई भी व्लॉग चेक नहीं किया होगा, हाँ तो आपने इसको मैंने ड्राइव करते दिखाया अभी तक, तो ना तो मैंने इसके अंदर कोई व्लॉग बनाया अभी तक। सो वाओ, हमारी गाड़ी जो है ना, ये मैक्सिम पापा ड्राइव करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ ये गाड़ी, ये 2012 मॉडल है, न्यू आई थी है। सो तब मेरे ख्याल से, अब मुझे नहीं पता कि कौन सी वाली है, अब मैं पीछे देखता हूँ कि भाई स्कॉर्पियो कौन सी वाली, S7 है कि S5 है, कभी इतना नोटिस ही नहीं किया हमने। स्कॉर्पियो VX कुछ आगे मॉडल वाला कुछ लिखा हुआ है, 2012 एंडिंग है, दिसंबर की तब की बात है। सो तभी हमारे तो पहले बार स्कॉर्पियो थी, तो उसके बाद बेच के तब ये वाली स्कॉर्पियो आई थी, पिछली वाली पुरानी स्कॉर्पियो थी वो, तो वो बेच के हमने ये वाली स्कॉर्पियो ली थी। अभी ये कंडीशन कुछ इसकी इस तरह की है भाई, भाई एक नंबर है ये, तो ये पापा के हैंड में होती है, साफ क्लीन। बैड बॉय को तो आप ऑलरेडी जानते ही हो, सो अपना टाइगर को इसको भी आप पहले जानते हो भाई। स्कूटी की बात, सो ये रही एक स्कूटी, ये देख रहे हो आप नन्नी मुन्नी परियां जो है ना, सो ये ड्राइव करती है ना, आप ड्राइव करते हो, आप चलाते हो, ये रखी है स्कूटी ऐसे ली थी क्योंकि बीच में ना काफ़ी ज़रा सामान जो होता है ना वो स्कूटी पे आ जाता है, उधर जब हम कोई सामान में लाना होता है ना तो बाइक पे कैरी नहीं कर पाते, स्कूटी पे हम आराम से कैरी पाते कर पाते। एक स्कूटी है वो जो बाहर लगी हुई है, ये भाई ये स्कूटियों की नीड पड़ती है, तो तभी एक स्कूटी यहाँ खड़ी है, एक स्कूटी बाहर खड़ी हुई है। ये वाली तो देख ही होगी पाची पाची भैया, इसके भी ब्लॉग जल्दी आएगा, सो देख रहे हो 180 है भैया। अब बाकी दिखाता हूँ और कौन कौन सी वाली है। सो ये रही अपनी थार, तो उसके आगे अपनी ब्रीजा, तो ये देख रहे हो भाई ये खड़ी है अपनी ब्रीजा JK02CD1550। सो ये गाड़ी है अप्रोक्स हमने कब ली थी, फर्स्टली मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये यहाँ पे गंदी ज़्यादा हो रही है, तो देख रहे हो तुम इसमें जब थोड़ी सी बारिश पड़ती है ना, फिलहाल ये पेड़ के नीचे ही है, बट पेड़ के नीचे फायदा कोई नहीं है भाई, बारिश जब पड़ती है ना भाई डस्ट हो जाती है इस पर ज़्यादा, यहाँ तो उसे कवरिंग करनी पड़ेगी। मैं तो बोल रहा था कि यहाँ पे एक मस्त वाला ना छोटा सा ना गाड़ियों के लिए शेड बना देते हैं, सो मे बी जल्दी ही काम लगा दो शेड वाला। एनी मैंने आपको इस ब्रीजा को एक हमने जाली ली आती है, देख रहे हो वाओ फॉर ब्रीजा, ये ब्रीजा के लिए जाली डाली हुई है मस्त वाली। एक ब्रीजा के बारे में बताने की नीड तो नहीं है आपको, क्योंकि आप मैक्सिमम ब्रीजा व्लॉग देख चुके हो भाई। मैं बताऊँ वीडियो बनाने का मकसद क्या था, वीडियो में मकसद ये था भाई, एक तो मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ और उसके बाद वीडियो बनाना जरूरी था। सो मुझे काफ़ी बार मैसेज भी आया था कि भैया आपके पास जो जो गाड़ियाँ आप कलेक्शन वीडियो बनाते जाओ, तो ये कोई भाई फुकरी नहीं है, ये सिंपल हमारी जो नीड की है ना वो चीज़ें हैं। तो बाकी मैं बता दूँ, सबसे पहले पापा का स्कॉर्पियो थी, तो स्कॉर्पियो बाद हमें लगा कि यार हमें कहीं जाना होना होता कहीं पर, तो स्कॉर्पियो पर कहीं गए होते, कभी कहीं गए होते, नीड है गाड़ियों की सारा की बात है, तो तब हमने निकाली थी ब्रीजा। परियां जो है ना ये कभी कभार बीमार हो जाती हैं, तो हमारे घर पे चार परियां हैं, तो चारों परियों से कहीं ना कभी दो बीमार हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, बड़ी बहुत सारी नीड रहती है फैमिली के अंदर। उसके लिए फिर हमने दूसरी गाड़ी ब्रीजा निकाल के, फिर हमने अभी लास्ट में जो मैंने अपनी चॉइस में निकाली थी ना वो थार थी भाई, पहले बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे थे थार के लिए, तो मैंने कहा कि भाई नहीं मुझे थार निकाली, मेरी ड्रीम कार है तो मैंने निकाल ली है, तो वो मैंने अपने ही ऐसे ही घर वालों ने फोर्स किया था नहीं निकालने के लिए,
बट मैंने निकाल ली। बाइक की बात करूं तो बाइक सबसे पहले ली थी हमने फेजर, फेजर के बाद हमारे पास आई फिर अपाची, अपाची के बाद फिर आया बुलेट, तो बुलेट के बाद फिर आया टाइगर, टाइगर के बाद फिर हमने स्कूटी ली, स्कूटी पहले थी उसके बाद टाइगर लिया, फिर टाइगर तो मैं काउंट ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि टाइगर किस टाइम भी सेल हो जाएगा, पड़ती थी। उसके बाद अभी फिर जब रख ली थी उसके बाद बेचने का बिल्कुल मन नहीं किया, तो एक चीज बेचने की नीड हो गई थी फेजर की क्योंकि वो चला को नहीं रहा था तो हमने वो सेल कर दिया था। भाई ये कुछ लक्ष्य वीडियो थी, वीडियो बनाने के मैंने बताया कि मैं कहीं नहीं जा पा रहा हूँ और काफी दिनों के बाद ये ब्लॉग बना रहा हूँ। मे बी प्लान वगैरह हो रहा है कश्मीर के लिए, मे बी कल हमारी गाड़ी ब्रिज़ा या स्कॉर्पियो कल चली जाएगी कश्मीर के लिए, तो मैं सोचा अगर ये चले जाएंगे तो फिर बाद में कलेक्शन वीडियो ना बना पाऊंगा, तो इससे पहले मैं कलेक्शन वीडियो बना लेता हूँ। तो बाकी यही कुछ था, आई होप सो कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इजी का टू प्लस राइट करके मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, लव यू, टेक केयर, बाय 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 बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।